श्लाकया येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा। सब डिवोटीज को मेरा दंडवत प्रणाम। थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू ग्लोरीफाई होली नेम एंड ग्लोरीफाई लॉर्ड। तो भगवत गीता में एक सुंदर एपिसोड है इन थर्ड चैप्टर ऑफ भगवत गीता, जहाँ अर्जुना ने भगवान से प्रश्न पूछते हैं कि अतः केन प्रयुक्तो, जिसके वजह से जीव ना जाने मतलब अनजाने मतलब ही डजेंट वांट टू एंगेज इन सिन, वो पाप नहीं करना चाहता है फिर भी वो कर देता है, किसके कारण वैसे होता है करके जब भगवान से अर्जुना ने पूछते हैं, तो भगवान उधर अर्जुना से बताते हैं कि काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव। काम के वजह से वो जो लस्ट है हमारे अंदर, उसके वजह से हम ये सिंफुल प्रोक्लिविटी हमारे अंदर होता है, उसके वजह से हम पाप करते हैं करके भगवान बताते हैं। उसके अगले श्लोक में भगवान एक सुंदर श्लोक बताते हैं, जिसमें भगवान डिफरेंट डिग्रीज ऑफ लस्ट को भगवान एक्सप्लेन करते हैं। वो पर्पट में प्रभुपाद ने बहुत सुंदर पर्पट लिखते हैं, उससे कुछ चीज डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। वो 38 वर्स है भगवत गीता का, जो बताता है धूमे न आवृयते वह्निर्यतादर्शो मले न चा यतो उल्भे न आवृतो गर्भस तथा तेने दमावृतम। As fire is covered by smoke, as mirror is covered by dust, or as the embryo is covered by the womb, the living entity is similarly covered by different degrees of this lust. इधर भगवान 3 degrees of lust के बारे में explain करते हैं, और कृष्णा ने इधर example देते हैं ये 3 degrees of lust को समझने का। बताते हैं कि as fire is covered by smoke, जैसे आग ये धुआं से कवर हो जाता है, वैसे ही हमारा 1 degree ऑफ लस्ट ऐसा है कि जिसमें वो हम जैसे फायर कवर हो जाता है स्मोक से, वैसे लस्ट कवर हो जाता है। दूसरा यथादर्शो मलेन चा, जैसे एक मिरर है वो जैसे वो मिरर डस्ट से कवर हो जाता है, वैसे लस्ट भी वैसे ही हमारा काम भी कवर हुआ है 1 degree। तीसरा है जैसे एम्ब्रियो इज कवर्ड बाई ओम्ब। तो ये प्रभुपाद पर्पट में एक्सप्लेन करते हैं ये 3 degrees ऑफ लस्ट रिप्रेजेंट्स 3 kinds ऑफ लिविंग एंटिटीज, 3 levels ऑफ लिविंग एंटिटीज, जिसमें प्रभुपाद लिखते हैं कि जैसे हमारे अंदर जीव में अंदर इट इज लाइक वी ऑल हैव कृष्णा कॉन्शियसनेस, हम सब में भगवान का भक्ति हमारे अंदर है, डॉर्मेंट स्टेज में है, पर वो दैट इज लाइक फायर कवर्ड बाय स्मोक, तो उसको वी हैव टू फैन इट। तो वो लस्ट को हम भगवान के लव में हम उसको कन्वर्ट करना है। प्रभुपाद एग्जैक्टली इधर बहुत सुंदर लिखते हैं, When lust is compared to smoke, it is understood that the fire of the living spark can be little perceived. In other words, when the living entity exhibits his Krishna consciousness slightly, he may be likened to the fire covered by smoke. Although fire is necessary when there is smoke, there is no overt manifestation of fire in the early stage. This stage is like in the beginning of Krishna consciousness. The dust on the mirror refers to a cleansing process of the mirror of the mind by so many spiritual methods. The best process is to chant the holy names of the Lord. प्रभुपाद पर्पट में लिख रहे हैं कि जैसे वो एक स्टेज है, जैसे वो मिरर इज कवर्ड बाय द डस्ट, वैसे हमारा कॉन्शियसनेस भी कवर हो चुका है,
और ये कॉन्शियसनेस को क्लियर करने के लिए, क्लीन करने के लिए देर आर सो मेनी स्पिरिचुअल मेथड्स, बट द बेस्ट मेथड इज टू चैंट द होली नेम्स ऑफ द लॉर्ड। और लास्ट में प्रभुपाद लिखते हैं, देयरफॉर बाय केयरफुल हैंडलिंग ऑफ द स्मोक इन द फायर, फायर कैन बी मेड टू ब्लेज। Therefore, the human form of life is a chance of the living entity to escape the entanglement of material existence. In the human form of life, one can conquer the enemy lust by cultivation of Krishna consciousness under able guidance. तो जैसे चैतन्य चरितामृत में भी बताया गया कि ब्रह्मांड भ्रमित्ते कौन भाग्यवान जीव, कृष्ण गुरु कृष्ण कृपा पाय भक्ति लता बीज। तो बहुत सारे मिलियन ऑफ लाइफ टाइम्स हमने बहुत सारे योनि में भ्रमण करते हुए जा रहे हैं ये भौतिक दुनिया में। जैसे गुरु और कृष्ण के कृपा से हमको कभी ये मौका मिलता है कि मानव शरीर धारण करने का। तो इसमें हम सब में वो टेंडेंसी रहता है और डॉर्मेंट स्टेज में कृष्णा कॉन्शियसनेस का, पर इसको हम फैन करना पड़ता है। तो लस्ट को हम कन्वर्ट करना पड़ता है भगवान का प्रेम के प्रति। और प्रभुपाद इधर एक्सप्लेन करते हैं कि द बेस्ट वे टू कन्वर्ट आवर लस्ट विच इज द एनिमी, जो जितने भी एनिमी है सबसे पावरफुल एनिमी है काम एश क्रोध एश। ये काम के वजह से ही हम जितने जो भी सफर कर रहे हैं ये दुनिया में, इसी के वजह से। प्रभुपाद के वर्ड्स में बोलना है तो टू लॉर्ड इट ओवर द मेटीरियल नेचर। हम सब में ये टेंडेंसी है कि हमने कंट्रोलर बनना चाहते हैं, हमने प्रोपरेटर बनना चाहते हैं, हम भोगी बनने चाहते हैं। तो वो टेंडेंसी से हमको बाहर आना है। वो लस्टफुल टेंडेंसी से अगर हम भगवान को लव करना है तो हमारे टेंडेंसी को भगवान के प्रति प्रेम के तरफ अगर हम उसको कन्वर्ट करना है तो द बेस्ट प्रोसेस इज प्रभुपाद इधर लिखते हैं कि चैंटिंग द होली नेम्स ऑफ द लॉर्ड। तो वैसे सो दिस इज अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। तो हम हर दिन भगवान का नाम लेते हुए हमारे अंदर जो भी अनर्थ है, जो भगवान के प्रति जो द्वेष और लस्ट है, उसको हम प्रेम के प्रति कन्वर्ट करते हैं। वैसे करते हुए हम हमारा जीवन को सफल कर सकते हैं। तो थैंक यू। हरे कृष्णा।